हेलो फ्रेंड्स, सीमस कुकरी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज्जा, और वो भी एक नए स्टाइल से, विदाउट पिज्जा सॉस, विदाउट चीज, और जिसे आप और आपके बच्चे बेफिक्र होकर खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये एक बाउल लिया है, और ये मैं 4 बड़े चम्मच मलाई के लूंगी, ताजी मलाई जो कि दूध को उबालने के बाद निकलती है। तो ये हम 4 बड़े चम्मच मलाई के लेंगे, और उसमें मैं ये 2 बड़े चम्मच सूजी के मिलाऊंगी। अब ये दोनों चीजें हम अच्छे से मिला देंगे, और ये मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, 2 टेबलस्पून अनियन यानी कि प्याज बारीक कटा हुआ, और 2 टेबलस्पून बारीक कटी शिमला, हरी शिमला मिर्च। तो आप जो सब्जियां हैं वो अपनी पसंद की और बच्चों की पसंद की डाल सकते हैं, लेकिन जो प्याज और हरी शिमला मिर्च का कम्बिनेशन है वो इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी हम डालेंगे। और नमक जो है स्वाद अनुसार डालेंगे, और काली मिर्च पाउडर ये मैं 1/2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अब ये सारी चीज़ों को मैं मिला दूंगी। ये देखिए हमारा जो है ये एक मिक्सचर तैयार हो गया है। ये मैंने आटा ब्रेड ली है, ये जो कि बच्चों के हिसाब से जो है हेल्दी होती है, तो इसका मैं ये एक पीस लूँगी, और ये मैं एक लास्ट वाला पीस लूँगी जो कि अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये 2 पीस हम लेंगे। और इस पर मैं ये जो मिक्सचर था इसको मैं अच्छे से फैला दूँगी। अच्छे से हमको इसको फैलाना है, इस तरह से मैं दोनों पीसेस में फैला दूँगी। ये देखिए एक पीस में हमने फैला दिया अच्छी तरह चारों ओर से, और ये मैं दूसरे पीस में भी फैला दूँगी। ये बहुत हेल्दी होता है, जैसे कि बच्चे जो हैं, आजकल के बच्चे जो हैं वो दूध नहीं पीते और घी नहीं खाते, मलाई नहीं खाते, तो इस तरह से वो खा भी लेंगे, बहुत टेस्टी भी बनता है, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो ये देखिए हमने, मैंने दोनों में जो है अच्छे से फैला दिया है। अब ये देखिए हमने दोनों पीसेस में अच्छे से मिक्सचर को फैला दिया है, और तवा जो है मैंने लो फ्लेम पर गर्म करना रख दिया है। अब ये देखिए हमारा तवा जो है वो गर्म हो गया है, और हमें फ्लेम को लो पर ही रखना है। और अब हम इसको तवे को थोड़े से बटर से ग्रीस करेंगे। इस तरह से हमने ग्रीस कर दिया है, इसको हमें बस थोड़ा सा ही लगाना है। अब ये जो ब्रेड है उसके जो प्लेन वाली साइड है हम उससे उसको तवे के ऊपर रखेंगे, और इसको हम 1 से 2 मिनट ढककर पकाएंगे। अब ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। अब इसको मैं बड़े आराम से पलट के पकाऊंगा, ये देखिए इस तरह। ये देखिए कितना क्रंची और कितना क्रिस्पी हो गया है इस साइड से। अब इसको भी मैं 2 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी, जिससे कि जो वेजिटेबल्स हैं और जो मिक्सचर है वो अच्छे से पक जाए। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। बड़े प्यार से इसको हमें पलटना है। ये देखिए कितना बढ़िया बना है, और इस साइड से भी क्रंची हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब मैं इसी तरह से दूसरा भी बना लूंगी। अब इसमें मैं ये चिली फ्लेक थोड़े से डालूंगी। इस तरह से हम इसमें चिली फ्लेक जो है डाल देंगे, और ये मैंने जो है पिज्जा ऑर्गेनो लिया है, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। और अब मैं इसको पीसेस में काट लूंगी, इस तरह से हम इसको पीसेस में काट लेंगे, और मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमारा इंस्टेंट हेल्दी ब्रेड पिज्जा बनकर बिल्कुल रेडी है। ये जो मैंने आखिरी पीस से बनाया था, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा और बहुत क्रिस्पी बना है, और ये इतना क्रंची है, आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। इसे आप भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए, आपको बेहद पसंद आएगा। और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब खाना बनाना हुआ आसान। धन्यवाद।